देश दे किसानां ते 16.80 करोड़ रुपए दा खेती कर्जा बकाया है। लोक सभा दे विच वित्त राज मंत्री भागवत कराड ने ए जानकारी दिती है। उन्हां दस्या कि तमिलनाडु च करीब 1.64 करोड़ किसानां दे खात्यां ते 1.99 लख करोड़ रुपए दा खेती कर्जा बकाया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिता है कि वो खेती कर्जा मुआफ नहीं करेगी। कराड ने दस्या है कि सरकार कोल खेती कर्जा मुआफ करन दा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दरअसल तमिलनाडु दे करूर तो सांसद एस ज्योतिमणि ने सूबेवार किसानां दे बकाया खेती कर्जे दी जानकारी मंगी सी। इस ते लिखित जवाब दे विच सोमवार नू वित्त राज मंत्री करण नाबार्ड दे अंकड़ियां दे हवाले तो जानकारी दिती। इस मुताबिक 31 मार्च 2021 तक खेती कर्जा मामले च आंध्र प्रदेश दूजे स्थान ते है। उत्थे 1.69 लख करोड़ रुपए बकाया है। कर्ज दे मामले विच तीजे स्थान ते उत्तर प्रदेश है। उत्थे किसानां ते 1.55 लख करोड़ रुपए दा कर्जा बाकी है। उत्थे ही पंजाब दे किसानां ते 71.305 करोड़ रुपए दा कर्जा बकाया है। किसानां ने मंगलवार नूं जंतर मंतर ते किसान संसद जारी रखी। इस विच केंद्र दे 3 नवे खेती कानूनां विच एक जरूरी वस्तु एक्ट ते चर्चा कीती गई। किसानां ने कहा कि ओ इस नूं रद्द करन दे लई प्रस्ताव पास करनगे। किसान संसद च रोजाना 200 किसान भाग लै रहे हन। भारतीय किसान यूनियन दे जनरल सकत्तर युद्धवीर सिंह ने कहा है कि काला बाजारी रोकण दे लई 1955 दे विच जरूरी वस्तु एक्ट पास कीता गया सी। उदों तो किसे ने सोध दी मंग नहीं कीती। देश दा हर नागरिक किसानां दे समर्थन दे विच आवाज चुक रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी करके कहा है कि सरकारां नूं फसलां लई मंडीकरण आवाजाई अते भंडारण दीआं सहूलतां नूं मजबूत करना चाहीदा है। फिलहाल किसानां नूं लै के साफ तौर ते कह दिता गया है कि जो किसान हन उन्हां दा कर्जा माफ नहीं होवेगा। सो यह वड्डी अपडेट सामने आ रही किसानां नूं लै के, यानी केंद्र सरकार नहीं चाहती कि वह किसानां दा कर्जा माफ करे। पर पूरे मामले नूं लै के तुसीं अपने वालों की कमेंट देना चाहते हो? अपने वालों अपने कमेंट जरूर देना।